हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्पल मोहित सिंधव। मैं गुजराती हूँ और गुजरात में ये मिक्स सब्जी बहुत बनती है। आप ये मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाइए, खाइएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 बैंगन, 2 आलू, थोड़ी सी वटाणा और 2 टमाटर और थोड़ी सी मेथी की भाजी। आप और कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, जैसे कि कैबेज है या आपको जो भी पसंद है। थोड़े से गाजर भी आप अगर चाहे डालने तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंगन का छिलका है वो निकाल दिया है और पोटैटो के छिलके भी निकाल दिए हैं और इसके मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना डालूँगी। देखिए आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, फ्लावर है या कैबेज है, आपको जो भी पसंद है वो सब डाल सकते हैं इसमें और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस्पेशली आप जब इसे भाखरी के साथ, अगर भाखरी का चूरा बना दे, अपने हाथों से ही क्रश कर ले भाखरी को और इसमें ये सब्जी डाल के खाएंगे छाछ के साथ और थोड़ा सा कचुम्बर हो, जैसे कि कुकुम्बर हो या टमाटर या लीली डूंगड़ी, इसके साथ तो ये टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, ये टमाटर के भी मैंने छिलके बना दिए हैं और ये मेथी की भाजी है उसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है प्रेशर कुकर में। उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और आधी चम्मच जितना हल्दी डाल दिया है और यहाँ पे लहसुन की मैंने लाल चटनी होती है अपनी जो नॉर्मल चटनी, उसके लहसुन के साथ मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है और सारी सब्जियाँ डाल दूँगी मैं उसमें। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और मेथी की भाजी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और धनिया जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारे सारे मसाले जल जाएंगे। सब्जी को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले हैं वो सब्जी के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। अब हमें बिना सीटी लगाए ही हम ऐसे ही मसाले अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो जाए, ऐसे ही हम पका लेंगे थोड़ी देर। फिर 5 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन खोलेंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम उसमें पानी डाल देंगे। आप अगर भाखरी के साथ चूरा बना के ये सब्जी खाने चाहते हैं तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें। मैं यहाँ पे आज भाखरी बनाने वाली हूँ तो मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहे तो आप पानी थोड़ा सा कम यूज़ करें, 2 से 3, ये जो चमचा आपको दिख रहा है वो 2 से 3 चमचा ही डालना है। तो बस अब मैं यहाँ पे कुकर का प्रेशर कुकर का ढक्कन है वो मैंने बंद कर दिया हो और मैं यहाँ पे 3 सीटी लगाऊँगी। 3 सीटी होने के बाद मैं यहाँ पे उसका प्रेशर है वो निकाल दूंगी। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, ये देखिए। अब मैं उसमें डाल दूंगी 1/2 नींबू। और लास्ट में हम हरा धनिया डाल देंगे। तो बस हमारी ये डिलीशियस सब्जी खाने के लिए रेडी हो गई है। तो आप इसे खा सकते हैं बाजरे के रोटले के साथ या फिर भाखरी के साथ। आपने अगर मेरा गुजराती भाखरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे मेरी चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को